इस कहानी की शुरुआत में हमें क्लेगट नाम के सिल को दिखाया जाता है जो आइडोमेलिन मिलिट्री फोर्स का कमांडर होता है। वो अपनी टीम के बाकी साथियों के साथ समुद्र के अंदर बम ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें समुद्र की गहराइयों में एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे जब वो खोलते हैं तो उसमें एक बम था जिसे क्लेगट खोलकर डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। तभी उसका साथी स्विच उसे कहता है कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए क्योंकि गलत वायर कटने से हम सब मारे जाएंगे, लेकिन क्लेगट उसकी बात नहीं मानता और बम के एक वायर को काट देता है जिससे कुछ नहीं होता। और वो तीनों अपने साथ बॉम्ब को लेकर हाइड्रो टीम ऑफिसर के पास आते हैं क्योंकि उसके लिए काम कर रहे थे। ऑफिसर उन्हें खाने के लिए फिश देता है मगर तभी बॉम्ब के अंदर हरकत होने की वजह से वो सभी वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी बॉम्ब फट जाता है जिससे क्लेगट का दोस्त डॉल्फ समुद्र में गिरने की वजह से उसे बिछड़ जाता है और सीज क्लेगट को बचाकर समुद्र में कूदता है। तभी क्लेगट के गले से हाइड्रो टीम का लॉकेट नीचे गिर जाता है। फिर हमें समुद्र के अंदर क्वीन और जी नाम के सिल को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो साथ में मछली का शिकार करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वो मछली को पकड़ने लगते हैं। उसी वक्त बेंजी को चमकीली चीज दिखाई देती है, इसीलिए क्वीन को वहीं रोक लेता है क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ कोई खतरनाक चीज है। तभी उन्हें गेराल्डो नाम का सिल मिलता है जो उन्हें कहता है कि मेरे लिए मछलियों का शिकार करना बहुत आसान है क्योंकि मैं अपनी चालाकी से एक एक्वेरियम से भाग आया था। तभी बेंजी घर जाने के लिए कहता है मगर क्वीन उस चमकीली चीज के पास जाने लगता है जिसकी वजह से बेंजी भी उसके साथ जाता है क्योंकि हमेशा साथ में रहते थे। फिर वो बेच के पास पहुंचते हैं जिसे देखकर क्वीन बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उन्हें बेच के रिफ्लेक्शन में क्रश नाम का शार्क दिखाई देता है जिससे वो बहुत डर जाते हैं। तभी उन पर बहुत सारे शार्क हमला कर देते हैं तो वो दोनों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं मगर शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ते तो वहाँ से चक्री की तरह भागकर अपनी जान बचा लेते हैं और फिर अपने सील आइलैंड पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो बहुत सारे सील के साथ रहते थे। तभी क्वीन बेंजी से कहता है कि हम इस बेच की मदद से किसी को भी सिग्नल दे सकते हैं और क्वीन दो बेच में से एक बेंजी को पहनने के लिए देता है जिससे वो दोनों हाइड्रो टीम के बेच पहनकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर जान भी चली जाए तब भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वही बच्चे उनके पास आकर मस्ती करने लगते हैं। तभी उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बार्निकल देती है जो उन्हें पसंद नहीं था क्योंकि बार्निकल का टेस्ट बिल्कुल रेत की तरह होता था। तभी बेत नाम की सील क्वीन और बेंजी को कहती है कि तुम पत्थर को चाटकर कुछ नया स्वाद ले सकते हो क्योंकि सभी उन्हें खाकर परेशान हो चुके थे। तभी क्वीन सभी से कहता है कि क्या रोज मछली खाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाना सही है, तो सभी बताते हैं कि हमें बार्निकल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि हम इसे खा खा कर परेशान हो चुके हैं। जिस पर सील आइलैंड के मुखिया ब्रिक सभी से कहते हैं कि जल्दी मछलियों की रेस होने वाली है जिससे हमें खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी। तभी उनमें से एक सील कहता है कि रेस में शार्क भी मौजूद रहती है। ब्रिक उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं अकेले सभी शार्क से निपट लूंगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त जब सभी सील सो रहे थे तभी बेंजी क्वीन से कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए क्वीन अकेले ही सभी से छिपते हुए समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाता है मगर तभी उसके पीछे बेंजी आ जाता है क्योंकि वो जगा हुआ था। तो क्वीन उसे कहता है कि इंसान अपने साथ खाने के लिए सामान लेकर जाते हैं, इसीलिए मुझे उन जहाजों तक पहुंचना होगा, लेकिन बेंजी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था जिसकी वजह से वो भी उसके साथ जाता है। फिर वो दोनों जहाज को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक टूटा हुआ जहाज और बहुत सारे कंटेनर दिखाई देते हैं जिनमें वो अपने खाने के सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो और आगे कुछ खाने के लिए ढूंढने जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर ग्रीमेस नाम की शार्क और उसके साथ बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है, इसीलिए वो दोनों उनसे बचने के लिए भागते हैं मगर ग्रीमेस उन्हें भागने नहीं देता। तभी वो बेच की मदद से ग्रीमेस की आंखों पर रिफ्लेक्शन डालकर उनसे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन ग्रीमेस उनका पीछा नहीं छोड़ता जिसकी वजह से क्वीन और बेंजी जहाज में छिपने लगते हैं मगर उनके सामने ग्रीमेस आ जाता है, इसीलिए वो चक्री बनाकर जहाज के अंदर जाते हैं। तभी ग्रीमेस बेंजी को खा लेता है जिससे गुस्सा होकर क्वीन उस पर अटैक करता है मगर उसका सामना नहीं कर पाता, इसीलिए वापस जहाज के अंदर चला जाता है, लेकिन ग्रीमेस इससे गुस्सा होकर जहाज के अंदर आकर उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से क्वीन घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर बैठे क्लेगट उसे ग्रीमेस से बचाकर बेहोशी की हालत में अपना बेच लेकर चट्टान पर छोड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वीन के होश में आने के बाद उसके सामने डाइविंग मेडे और रोजर नाम के बर्ड होते हैं जो उसे मरा हुआ समझकर खाने के लिए आए थे। तभी क्वीन उन्हें बताता है कि खाने की तलाश में मैं अपने दोस्त बेंजी के साथ समुद्र में गया था मगर उसे शार्क ने खा लिया और मुझे एक बूढ़े सील ने वहाँ से बचाया था, इसीलिए वो उनसे उनके बारे में पूछता है कि वो कहाँ गए और मुझे उनसे मिलना है। तो बर्ड उसे अपने साथ क्लेगट के जहाज
जहाज के पास लेकर जाते हैं और उसे एडवाइस देते हैं कि वो बूढ़ा क्लेगर्ड मेहमानों को पसंद नहीं करता। उसके बाद क्वीन क्लेगर्ड से मिलने के लिए जहाज के अंदर जाता है और क्लेगर्ड से कहता है कि आपने बड़ी आसानी से शाह को हरा दिया, इसीलिए मुझे आपकी तरह लड़ना सीखना है। मगर क्लेगर्ड उसे मना करते हुए क्वीन को समझाते हैं कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं और तुम क्यों बेवकूफी भरा काम करना चाहते हो। जिस पर क्वीन उन्हें कहता है कि अगर आपने मुझे लड़ना नहीं सिखाया तो मैं यहाँ रखी सारी फिश खा जाऊंगा। इसीलिए क्लेगर्ड उसे अपने कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर उसे अपनी हाइड्रा टीम के साथियों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी नौकरी के दौरान सीखा है कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए टीम वर्क होना जरूरी है, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले टीम बनानी होगी। लेकिन क्वीन उनकी बात नहीं समझता, इसीलिए क्लेगर्ड उसे जहाज से बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि सील आइलैंड में सभी सील्स बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी वो क्वीन को देखकर सभी उसे पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर गए थे। जिस पर क्वीन बताता है कि बेंजी और मैं समुद्र में कुछ खाने के लिए गए थे मगर वहाँ पर शार्क मौजूद थी जिसने बेंजी को खा लिया। इससे सभी सील आइलैंड के वासी बहुत उदास हो जाते हैं। तो ब्रिक कहता है कि हमें सब कुछ बोलकर बार्निकल खाने चाहिए, जिससे गुस्सा होकर क्वीन उन्हें कहता है कि मैं बार्निकल खाकर परेशान हो चुका हूँ और फिश रेस में हमें कभी भी खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता बल्कि हमारे कई साथी शार्क का खाना बन गए। तभी सभी सील एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं जिससे क्वीन सभी को समझाता है कि मैं फिश रेस देख चुका हूँ इसीलिए किसी भी सील का शिकार नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि हम टीम की तरह काम करके शार्क से लड़ सकते हैं। लेकिन शार्क से सभी सील्स बहुत डरते थे इसीलिए कोई उसका साथ नहीं देता और फिर सील वापस से सॉन्ग गाकर सभी को एंजॉय करवाता है जिसकी वजह से क्वीन वहाँ से जाने लगता है। तभी बेथ उससे मिलती है तो क्वीन उसकी खूबियाँ बताकर उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों गेराल्डो के पास जाकर उसे भी अपनी टीम में शामिल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों क्लेगर्ड के जहाज पर जाते हैं जहाँ पर क्लेगर्ड उन्हें हाइड्रो के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताता है और उन्हें कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाने लगता है ताकि उसकी ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाए। पर वो सभी उसकी ट्रेनिंग से हार नहीं मानते और कड़े रूल को फॉलो करते हैं। फिर उनका आखिरी टेस्ट होता है जिनमें उन्हें शाह के डमी से लड़वाया जाता है जिससे गेराल्डो और बेथ हार मान लेते हैं। मगर क्वीन की चालाकी से वो तीनों साथ में मिलकर शाह के डमी को रस्सी से बांध देते हैं जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। मगर क्लेगर्ड को अपनी नौकरी के दौरान हुई बेइज्जती की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो अपने रूम से बाहर जाकर क्वीन के पास बैठ जाता है। तभी क्वीन उन्हें कहता है कि हम शार्क से लड़ सकते हैं क्योंकि मुझे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। तो क्लेगर्ड उसे बताते हैं कि मेरी टीम हाइड्रो शार्क से आसानी से लड़ लेती थी मगर एक एक्सीडेंट की वजह से मैं उनसे दूर हो गया क्योंकि मेरी गलती की वजह से जहाज पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद हाइड्रो टीम को खत्म कर दिया गया जिससे स्विच पागल हो गया और डोल बिजनेस करने लग गया, इसीलिए क्वीन उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। तो क्लेगर्ड को उनसे मिलने के लिए मना लेता है जिसके बाद वो सभी क्लेगर्ड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए समुद्र के रास्ते निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बहुत बड़ी दावे नाम की शार्क मिलती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। तभी दावे उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ छोटी चीजों को खाता हूँ इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर स्विच के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर स्विच क्लेगर्ड से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी क्वीन उसे कहता है कि हमने शार्क से लड़ने के लिए टीम बनाई है। तो स्विच उसे बताता है कि यह बहुत बकवास आइडिया है। तभी क्लेगर्ड स्विच से कहता है कि हमें कुछ हथियार चाहिए क्योंकि हमें शार्क से लड़ने के लिए उनकी जरूरत है। तो स्विच उन्हें एक रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो उन्हें अपने जुगाड़ से बनाए गैजेट और उनके मिशन में काम आने वाले हथियारों को दिखाता है। फिर वो उन्हें अपने सबसे खास सूट के बारे में बताता है कि इसे पहनने के बाद कोई भी गायब होकर किसी के पास से इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है क्योंकि सूट पर ऑक्टोपस चिपक जाते थे जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी हथियारों की मदद से शार्क का मुकाबला आसानी से कर सकते थे। फिर वो सभी गैजेट पहनकर सोल्जर की तरह तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शार्क के इलाके में सभी सील सोल्जर पहुंचकर स्कारलेट नाम की शार्क पर अटैक करते हैं और उसे रस्सी से बांधकर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं जिससे वो किसी को खा नहीं पाती। तभी भागते हुए स्कारलेट चट्टान के नीचे दब जाती है जिससे सभी सील्स बहुत खुश होते हैं। वहीं क्रंच और उसका साथी ये सब देखकर ग्रिमेस को बताते हैं कि कुछ सील ने स्कारलेट शार्क पर अटैक किया है जिससे गुस्सा होकर वो सभी शार्क को लेकर सील आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेता है जिसकी वजह से चार सील एक चट्टान पर ही कैद हो जाते हैं। वहीं क्लेगर्ड के जहाज पर सील टीम के सभी मेंबर शार्क से जीतने की खुशी में पार्टी एंजॉय कर रहे थे लेकिन क्वीन को अपने दोस्त बेंजी की याद आ रही थी क्योंकि हमेशा उसकी गलतियों के बारे में बताकर उसे बचाने की कोशिश करता था। तभी वहाँ पर तीनों बर्ड आकर उन्हें बताते हैं कि तुम सभी की वजह से शार्क ने सील
सिल आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है तो क्वीन गुस्से में उनसे लड़ने जाता है। तो क्लेगंड उसे समझाता है कि हम एक शार्क से बड़ी मुश्किल से जीत पाए और मैंने जो गलती की है वो तुम न करो, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा घमंडी था जिसकी वजह से मैंने बॉम्ब का तार काट दिया जिसका खामियाजा अभी तक मेरे दोस्त भुगत रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वो सारी गलतियां नहीं करने दूंगा। फिर डाइविंग मैप में सभी को शार्क की लोकेशन के बारे में बताती है। तभी क्लेगंड कहता है कि हमें शार्क से लड़े बिना सील्स को बचाना होगा क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। स्विच शार्क से निपटने के लिए सिलेंडर लाकर उन्हें बताता है कि हम इसकी मदद से सभी शार्क को सील आइलैंड से दूर ले जा सकते हैं, मगर इसके लिए हमें एक बोट की जरूरत है। इसीलिए गेराल्डो ने उसके पुराने एक्वेरियम के वहाँ पर चलने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बोट मौजूद थी। फिर वो प्लान तैयार करके वहाँ से एक्वेरियम पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचकर उन्हें हार्बर सील्स मिलते हैं जो करतब दिखाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन तभी उनके बीच बहस होने की वजह से वो हार्बर सील्स उनसे लड़ने के लिए अपनी रानी को बुलाते हैं जिसका नाम जिंग होता है, जिसे गेराल्डो बहुत प्यार करता था मगर जिंग उससे नफरत करती थी। तभी जिंग वहाँ आकर हाइड्रो टीम के हेड क्लेगंड पर अटैक कर देती है जिससे वो दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन जिंग को अपने सामने देखकर गेराल्डो बहुत खुश होता है और जिंग गेराल्डो से कहती है कि तुम धोखेबाज और डरपोक हो, पर तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी होगी। जिस पर गेराल्डो से बताता है कि तुम्हारे शो से जाने के बाद हमारे शो बंद हो गए थे जिसकी वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। ये सुनकर जिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी क्वीन उसे कहता है कि हमारी टीम हाइड्रा शार्क से लड़ने जा रही है जिसके लिए हमें बोट की जरूरत है। तो जिंग उन्हें बोट के पास लेकर जाती है मगर उनकी सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर मौजूद होते हैं, इसीलिए वो सभी छिपकर बोट की चाबियां चुराते हैं। तभी उनका एक लेडी ऑफिसर पीछा करती है क्योंकि बेथ ने ऑफिसर से सैंडविच छीन लिया था जिसकी वजह से हाइड्रो टीम के सोल्जर के साथ जिंग भी बोट के अंदर छिप जाती है। लेकिन गेराल्डो की वॉच की आवाज से ऑफिसर उन्हें देख लेती है और वॉकी टॉकी से ऑफिसर को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाती है, मगर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चट्टान के ऊपर बैठे हुए सील बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो कई दिनों से वहीं फंस गए थे। तभी उनकी मदद के लिए हाइड्रो टीम के सोल्जर समुद्र के अंदर केमिकल डालते हैं जिसे सुनकर सभी शार्क उनके पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें केमिकल की वजह से टेस्टी खाने की सुगंध आ रही थी, जिससे वो चारों सील बचकर सील आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इससे सभी सील्स बहुत खुश होते हैं। वहीं शार्क बोट का पीछा करते हैं तो हाइड्रो टीम के सोल्जर उनसे बचने के लिए गैजेट से अटैक करते हैं, मगर एक शार्क उनके बोट पर हमला कर देती है तो उसे चट्टान की मदद से मार गिराते हैं। तभी क्वीन एक मछली को पकड़ लेता है क्योंकि वो ग्रिमेस का खबरी था जो उन्हें बताता है कि सील आइलैंड को घेरना तो सिर्फ तुम्हें भटकाने का प्लान था, लेकिन ग्रिमेस के जासूस उनकी बोट के पास होते हैं, इसलिए गेराल्डो और जिंग दोनों शार्क जासूस को रोकने के लिए नाटक करते हैं, जिससे हाइड्रो टीम के बाकी के सील उस मछली को लेकर ग्रिमेस के प्लान जानने के लिए दावे के पास जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्कारलेट आकर उन पर हमला करने लगती है जिससे वो भागते हुए उस पर गैजेट की मदद से अटैक करते हैं, लेकिन वो बेथ को बांध देती है, मगर बेथ को बचाने के लिए क्वीन स्कारलेट को अपनी पिस्टल से मार देता है। तभी गेराल्डो और जिंग भी जासूस शार्क को भटकाकर अपनी टीम के सोल्जर के पास आ जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि बहुत सारी शार्क एक साथ मीटिंग में मौजूद थी, इसीलिए सोल्जर उनका प्लान जानने के लिए क्वीन को स्विच का सुपर सूट पहना देते हैं, जिसकी वजह से क्वीन किसी को दिखाई नहीं देता, जिससे वो ग्रिमेस की मीटिंग में पहुंच जाता है जहां पर ग्रिमेस सभी शार्क को कहता है कि हमें टीम वर्क करना चाहिए क्योंकि सील्स हम पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए हमें होने वाली सिर्फ बूढ़े सील्स को पकड़कर नहीं खाएंगे बल्कि सभी सील्स को मारकर खा जाएंगे, जिससे सभी शार्क बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी ग्रिमेस की खबरी मछली हाइड्रो के सील्स के पास है भागकर ग्रिमेस के पास जाने लगती है तो क्वीन उसे पकड़कर अपने साथियों के पास जाने लगता है, मगर मछली की वजह से सूट डिएक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से शार्क उसे घेर लेती है। तो क्वीन इमरजेंसी गेट का यूज करता हुआ चारों तरफ काला धुआं छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पास ग्रिमेस आकर सभी सील सोल्जर को घेर लेता है। तो क्लेगंड क्वीन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि सील आइलैंड के वासी फिश रेस में जाने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें जाने से रोकना होगा और मैं इन सभी शार्क को संभाल लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन को उसके साथी जहाज पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्वीन बहुत दुखी था क्योंकि वो क्लेगंड को अकेला छोड़कर आ गए थे। फिर क्वीन सील्स आइलैंड के वासियों को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वो देखता है कि सभी सील समुद्र में कूद रहे हैं, लेकिन बींग को छोड़कर सभी सील्स फिश रेस में जाने के लिए निकल जाते हैं। तो क्वीन उन्हें कहता है कि शार्क फिश रेस पर हमला करके सभी सील्स को मारने वाली है, इसीलिए हमें सभी को फिश रेस में जाने से रोकना होगा। जिस पर ब्रिंग कहता है कि अगर हम फिश रेस में नहीं गए तो सभी भूखे मर जाएंगे, जिसकी वजह शायद हम वापस लौट कर नहीं आ पाए, पर तुम्हें अपने समाज को जिंदा रखने के लिए यही रुकना होगा। फिर
फिश रेस में जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद क्वीन जहाज पर जाकर सभी सोल्जर को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि सभी सील फिश रेस में चले गए हैं, इसीलिए हमें उन सभी को बचाना होगा। फिर आइडा टीम के सोल्जर लड़ने के लिए तैयार होकर सील्स को शार्क से बचाने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर तीनों बर्ड आकर उन्हें बताते हैं कि सभी शार्क अपनी जगह पर नहीं है क्योंकि शार्क फिश रेस में सील्स को मारने के लिए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि आइडो टीम के सोल्जर सील्स को बचाने के लिए दावे की बॉडी के अंदर छिपकर जहाज पर पहुंचकर कुछ शार्क को जहाज के कमरों के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि सभी शार्क जहाज के अंदर छिपकर सील्स का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनके पास ग्रीमेस आकर कहता है कि हम टेस्टी सील्स के आइलैंड से दूर आने के बाद उन पर हमला कर देंगे जिससे फिश रेस में एक सील भी नहीं बच पाएगा। तभी क्वीन को आइडिया आता है कि हम जहाज के ऊपर कंटेनर को गिराकर शार्क को कैद कर सकते हैं, जिसके लिए स्विच कंट्रोल रूम में जाता है और उसके गियर को पूरी ताकत से खींचता है जिससे कंटेनर जहाज पर गिरता है, जिसकी वजह से जहाज के सभी गेट बंद हो जाते हैं। मगर एक गेट बंद नहीं होता तो जिंग उसे बंद करने की कोशिश करती है। तभी उसकी मदद के लिए गेराल्डो वहाँ आकर जिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन गेराल्डो सभी शार्क को गेट तोड़ने से नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से सभी शार्क बाहर आकर सोल्जर पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो सभी एक कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं। मगर ग्रीमेस उन्हें कंटेनर के अंदर कैद करके सभी शार्क को आइलैंड के सील्स खाने के लिए लेकर जाता है। वहीं क्वीन कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी सीज बताता है कि हमारी इस मिशन में जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। तो क्वीन उनसे पूछता है कि तुम सभी को पता होने के बाद भी मेरी मदद के लिए वापस लौट कर आ गए, जिस पर बेथ कहती है कि हम पूरी जिंदगी यही समझते थे कि सभी अपने लिए जीते थे, पर तुमने हमें सिखाया है कि सील्स भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तभी वो डिसाइड करते हैं कि अगर मरना ही है तो साथ में शाह को लेकर मरेंगे। फिर वो सभी मिलकर कंटेनर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तभी गेराल्डो वहाँ आकर कंटेनर का गेट खोल देता है, जिससे वो सभी बाहर आकर शाह से सील्स को बचाने के लिए जाते हैं। वही आइलैंड के सील्स शाह से बचकर भाग रहे थे। तभी उनकी मदद के लिए हाइड्रो टीम के सील सोल्जर आकर शाह को अपने गैजेट की मदद से मारने लगते हैं और तीनों हंस भी शाह पर हमला करके काफी शाह को घायल करके गिरा देते हैं। मगर तभी शाह सभी सील्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ग्रीमेस कहता है कि अब तुम सभी यहाँ से बचकर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन क्वीन हार नहीं मानता और उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। तभी उनकी मदद के लिए वहाँ पर क्लेगर्ड अपने जहाज के साथ डॉल्फ को लेकर आता है, जो सभी शाह पर फायरिंग करके उन्हें घायल कर देता है। तभी क्वीन सभी आइलैंड के सील्स को जहाज पर चढ़ाने के लिए कहता है, जिससे सभी सील्स बचकर जहाज में आ जाते हैं। मगर तभी ग्रीमेस उन पर अटैक करने लगता है, जिससे क्वीन का बेस ग्रीमेस के दांत में फंसे बेंजी के बेस से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रीमेस उसको समुद्र में खींचने लगता है। मगर वहाँ पर मौजूद सभी सील्स उसे पकड़ कर खींचते हैं, जिसकी वजह से बेंज की रस्सी टूट जाती है और ग्रीमेस समुद्र में गिर जाता है। इससे सभी सील्स बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि छोटी सील्स अपने दोस्तों के साथ समुद्र के अंदर खेल रही होती है। तभी दूसरे समुद्र से आया शार्क उन्हें खाने के लिए जाता है, तो क्रंच उसे समझाता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर उसकी बात नहीं मानता। और वही शार्क के आइलैंड के इलाके में घुसने का सिग्नल हाइड्रो टीम के सोल्जर तक पहुँच जाता है, तो उसे रोकने के लिए रॉकेट लॉन्च करते हैं, जिससे वो दावे की बॉडी के अंदर बैठ कर उस पर अटैक करते हैं और इसी तरह वो अपने आइलैंड की सुरक्षा करते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एपी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।